कर सके कि मुसलमान अमन पसंद होते हैं। तारीख भरी पड़ी, कितनी मिसालें दूं, मिसालों को हम सुन नहीं पाएंगे, इसलिए कि मुसलमान अपनी प्रोग्रामिंग कहाँ से लेते हैं? कुरान और सही हदीस से। कुरान और सही हदीस में हमको ये बता दिया गया कि अल्लाह ताला रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं करते, अल्लाह ताला ज़ालिमीन को पसंद नहीं करते। जो जुल्म करेगा क़यामत के दिन अंधेरा होगा, जो एक मासूम को मारेगा पर इंसानों को मारने का गुनाह से लिखा जाएगा, जो कोई भी दर्रा बराबर बुराई करेगा क़यामत में वो देख लेगा, जिसके नेकियों के पड़ने भारी नहीं होंगे वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। तो कौन मुसलमान ये पसंद करेगा? तो आखिरत का खौफ, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन जैसी मिसाल, ये सब मुसलमानों को हर दौर में अमन पसंद बनाने में एक बेहतरीन, हमारे लिए एक सोर्स है, एक मस्दर है हमारे पास कुरान और सही हदीस। मिसाल के तौर पर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत के वाक़यात तो भरे पड़े हैं। मैं गुज़िश्ता कई एपिसोड में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तेह मक्का के माफ़ी का मैंने आपको बताया, ताइफ के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे माफ़ कर दिया, कैसे आपने कबीलों को माफ़ कर दिया,